सोशल मीडिया पर एक गलत कारण से एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो वायरल हुआ है छत्तीसगढ़ का। जो अधिकारी जिन पे जिम्मेदारी होती है जनता को एक सही राह सिखाने का, बताने के लिए कि आप सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, ऐसे समय में जब अन्न जल की बर्बादी हो रही है और आने वाले समय में क्राइसिस है, ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ है और गलती इंस्पेक्टर साहब ने ऐसी कर दी है। ऐसा पानी बहाया है जिसको लेकर कई बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती थी और वेजिटेशन दिख सकता था। ये तस्वीर आप देखिए, पंखाजूड़ में फूड इंस्पेक्टर हैं, पानी में इनका मोबाइल बहुत महंगा था गिर गया और उसे निकालने के लिए बांध का लाखों लीटर पानी ही बह चुके। एक फोन के खातिर बहाए गए पानी पर 1,500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। हालांकि अधिकारी का कीमती मोबाइल फोन तो मिल गया, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। ये अधिकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हर कोई इन्हें ट्रोल कर रहा है, पूछ रहा है कि आपका महंगा मोबाइल इम्पोर्टेंट था या फिर वो जल जो कई करोड़ों लोगों को वेजिटेशन दे सकता था सिंचाई के जरिए। कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर हैं, छुट्टी मनाने के लिए साहब पहुंचे थे जलाशय, अधिकारी साहब का महंगा मोबाइल गिर गया। ओवर पुल पर लबालब 15 फीट तक भरे हुए पानी में जब ये मोबाइल गिरा तो इन्होंने त्राहिमाम मचा दिया। अच्छे अच्छे गोताखोर निकाले, लेकिन इन्हें असफलता हाथ लगी। फोन को निकालने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई। बकायदा 30 HP का पंप लगाकर जलाशय का पानी बाहर निकाला गया। पानी निकालने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार ये पंप चलता रहा, मतलब बिजली भी गई है। और जो काम कई कोई कैजुअल्टी हो जाती, कोई डूब जाता तो ना अधिकारी ना कोई विभाग ऐसे आता, लेकिन ये तो फूड इंस्पेक्टर साहब थे, पूरा जल निकाल दिया, बिजली वेस्ट करी एक महंगे अपने साहब के मोबाइल के खातिर जो होगा 50-60 हज़ार रुपये का, लेकिन उसके वो लेकर इन्होंने कई लाखों का नुकसान आम आदमी का कर दिया है, किसान का कर दिया है, उस खेत का कर दिया है। 1.5 लाख का जो आईफोन था पानी में जो बह गया था वो मिल तो गया, खराब हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि उस फोन में ऐसा क्या था कि आपने पूरा जलाशय ही सुखा दिया। जो खेत हरा भरा हो सकता था इस पानी से, वो पानी चला गया तेल लेने, वो पानी चला गया बहने, वो पानी हो गया बर्बाद। और किया किसने? एक इंस्पेक्टर ने, फूड इंस्पेक्टर ने, जो खाने की बात करता है, अच्छे खाने की गुणवत्ता की बात करता है। और वो ही खाना अच्छा तब भी हो सकता है जब उसको एनवायरनमेंट, वेजिटेशन को या खेती बाड़ी को सही मिले अच्छे जल के जरिए। जलाशय में लगातार पानी निकालने का वीडियो वायरल हुआ है, सिंचाई विभाग के अधिकारी दौड़े दौड़े नजर आए हैं, पंप को बंद कराया गया, फिर से खोज हुई, मोबाइल मिल गया, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। 24 घंटे चले 30 हॉर्स पावर में 2 डीजल पंप से करीब 21 लाख लीटर पानी बह चुका है। पानी की इतनी मात्रा 1,500 एकड़ जमीन को सिंचाई कर सकती थी, उस जमीन की सिंचाई लायक थी। ये इंस्पेक्टर साहब से मिलिएगा, पूछिएगा कि क्या होता है क्राइसिस मैनेजमेंट और क्या होता है कि अगर हम किसी अन्न, जल और बिजली की कमी से अगर जूझ रहे हैं। ये समझिए, कुछ लोगों को दाना पानी नहीं मिल रहा, कहीं पर बिजली नहीं आ रही, लोग पानी पीने को मजबूर हैं, ताल तलैयों की नगरी वीरान हो गई है। ऐसे में इनके लिए 21 लाख लीटर पानी कुछ भी नहीं था। वायरल तो ये हो गए हैं, होना ही था, अपने गलत कारनामे और अपनी गलत वजह से और अपनी ड्यूटी के सिद्धांतों को ना जस्टिफाई करने की वजह से।